दोस्तों, इस बाइक के अंदर फ्यूल पंप में दिक्कत है। और वो दिक्कत क्या है कि मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी स्पीड में झटके ले रही है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इसका फ्यूल पंप फिल्टर कैसे साफ़ करते हैं, क्योंकि इसका जो फ्यूल पंप फिल्टर है वो हमें नया मिला नहीं, तो हमें इसी को चालू करके और गाड़ी को सही करना है। तो इसको खोल के और हम आपको बताते हैं फ्यूल पंप फिल्टर कैसे साफ़ करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इसका कपलर निकाल देना है और अब हमें इसकी पाइप निकालनी है। तो दोस्तों, ये इसकी पाइप है, ये भी निकल गई है, तो आपको ध्यान रखना है, इसको आराम से निकालना है। तो दोस्तों, फ्यूल पंप खोलने के लिए हमें इसके जो स्टार पेचकस के नट है ये सारे बोल्ट खोलने हैं। इसके लिए आपको एक बिट ले लेनी है, क्योंकि पेचकस से ये अच्छे से खुलेंगे नहीं आपसे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जो इसका फिल्टर है कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका है, आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों, हम इसको आपको साफ़ करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ये हमारा फ्यूल पंप फिल्टर है और ये हमारा फ्यूल पंप है। तो अब हम इसको फ्यूल पंप को साइड में रख देंगे और हमें साफ़ करना है खाली ये फिल्टर। तो दोस्तों, करना क्या कि आपको पेट्रोल डालते रहना है और आपको इसको थोड़ा थोड़ा इसको पपोलना है, इसको मसलना है सॉरी। इससे आपका जो कचरा होगा, आप देख सकते हैं कितना कचरा इसके नीचे प्राप्ति में आपको दिखाई दे रहा होगा। आप इसको कुछ देर के लिए ऐसे ही प्रोसेस करना है, इससे जो जितना भी इसके अंदर कचरा है वो निकल जाएगा। बाकी ये हमारे पास नया था नहीं फिलहाल, इसलिए हमें ये करना पड़ रहा है इसका। तो दोस्तों, आप प्राप्ती के अंदर देख सकते हैं कितना जंग निकल रहा है इसके अंदर, कितना कचरा। तो दोस्तों, अब हमें इसके अंदर हवा मार के आप देख सकते हैं कितना ये जब तक टाइट नहीं हो जाता जब तक हमें इसको साफ करना है। तो दोस्तों, जो हमारा फिल्टर था वो अभी साफ है। तो अब हम इसको फ्यूल पंप के अंदर सेट करेंगे और गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो लॉक होता है वो हमें लॉक फिट करना है। तो दोस्तों, इसकी जो फ्यूल पंप हमने सेट कर दी है और इसके अंदर पेट्रोल डालेंगे नया, क्योंकि इसके में जो पुराना पेट्रोल था उसमें बहुत ज़्यादा कचरा था। अगर वो पेट्रोल हम इसमें डाल देंगे तो दोबारा इसमें फिर फिल्टर साफ करना पड़ेगा, फिर प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप फ्यूल पंप फिल्टर साफ़ कर सकते हैं अगर आपको नया ना मिले तो। इससे आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको पेट्रोल वगैरह जो डालना है दोबारा वो साफ साफ डालें।